गैस जब अचानक से हमें भूख लगी हो और घर खाना नहीं बना होता है उस केस में हम क्या करें। तो मैंने सोचा कि चलिए जल्दी से कुछ पैकेट ले आते हैं नमकीन के और उसी से बनाते हैं भेल और करते हैं आज कुछ हेल्दी लंच। शुरू करते हैं तो हमने ये ली है चना नमकीन। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नवरत्न नमकीन, ये मार्केट में आपको इजीली पैकेट्स मिल जाएंगे। बेसन भुजिया, इसमें ऐड करेंगे मसाले चना, घनसादे चने, पोटैटोज़, ये मैंने फ्राई कर लिए थे थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी, रोस्टेड पीनट्स, चॉप्ड अनियंस, ग्रीन चिलीज, टोमेटोज, ग्रीन कोरिएंडर, नाउ मैं ऐड करूंगी इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट, देन रेड चिली पाउडर एंड लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, बट जैसे कि हम चटपटी भेल बना रहे हैं सो इसमें थोड़ा खट्टा ज़्यादा होता है तो भेल बहुत टेस्टी लगती है। गाइस इसमें आप जो नमक है वो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा क्योंकि हम लोग पैकेट वाली नमकीन की भेल बना रहे हैं और स्पेशली हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है चना, वो है चना नमकीन जो हमने सबसे पहले यूज़ की थी। सो उसमें ऑलरेडी मसाला होता है सो अपने अकॉर्डिंग आप सॉल्ट एडजस्ट करिएगा। तो हम अब मिक्स करेंगे। इतनी बढ़िया गाइस खुशबू आ रही है इसमें ऐसे लेमन जूस ऐड करने के बाद कि वाओ, मैं आपके साथ ये शेयर करके एंजॉय कर पाती, बट कोई बात नहीं, इसकी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, आप ज़रूर बनाइएगा और इंजॉय करिएगा। अगर आपके पास कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं भी है तो आप एक दो नमकीन ऐड करके भी ये डिलीशियस भेल बना सकते हैं। सो कैसे लगी आपको मेरी ये इंस्टेंट रेसिपी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा मेरी इस वीडियो को, शेयर करिएगा मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।